हेलो एंड वेलकम टू डेली फुटबॉल टॉक। तो बार्सिलोना ने लगातार तीसरा मैच जीता है इस सीजन चैंपियंस लीग में और बार्सिलोना ग्रुप एच के टॉप पे आ चुकी है और ऐसा लगता है कि बार्सिलोना इस बार यूसीएल के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर जाएगी अगर बार्सिलोना बॉटल ना करे तो, क्योंकि बार्सिलोना को अब सिर्फ एक विन चाहिए राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस शैक्टर डोनेस्क के मैच के बारे में और इस मैच के हीरो फर्मिन लोपेज के बारे में, और क्या जोआओ फेलिक्स एल क्लासिको से रूल्ड आउट हो चुका है और क्या बाकी के इंजर्ड प्लेयर्स एल क्लासिको में रिटर्न कर सकते हैं, आइए जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइनअप की। तो बार्सिलोना ने 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था। गोलकीपर मार्क आंद्रे टेर स्टेगन, राइट बैक कैंसेलो, सेंटर बैक अराउगो और इनिगो मार्टिनेज, लेफ्ट बैक बाल्दे, मिडफील्ड में रोमियो गुंडोगान और फर्मिन लोपेस, और अटैक में थे लामिन यामाल, फरान टोरेस और जोआओ फेलिक्स। और शैक्टर डोनेस्क ने 4-1-4-1 फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट किया था और शैक्टर डोनेस्क ने बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और सेकेंड हाफ में शैक्टर का गेम कमाल का था और शैक्टर डोनेस्क ने बार्सिलोना के मैच से पहले अपने मैनेजर को सैक किया था और मरिनो पुसिच को अपॉइंट किया था और मरिनो पुसिच ने एक अच्छा कैरेक्टर शो किया है। और बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना के पहले ही 6 प्लेयर्स इंजरी की वजह से आउट थे और गावी भी इस मैच से आउट था क्योंकि पोर्टो के अगेंस्ट गावी को रेड कार्ड मिला था, लेकिन 6 मेन प्लेयर्स आउट होने के बाद भी बार्सा ने क्वालिटी शो की और गावी ने इस मैच में कुछ चेंजेस किए, जैसे अलोंसो की जगह बाल्डे, क्रिश्चियनसन की जगह राउगो और गावी की जगह यमाल। और बार्सा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, गुंडोगान और रोमियो डोर डीएम थे और फर्मिन इंटीरियर बनके खेल रहा था, लामिन यामाल वाइड एरियाज में ऑपरेट कर रहा था और फेलिक्स थोड़ा नैरो आ रहा था और फरान डीप आ रहा था चांस क्रिएट करने के लिए। यहाँ ओरियल रोमियो बॉल विन करता है और बॉल मिलती है फर्मिन को और फर्मिन एक कटबैक करता है, शॉट लेता है जो गोलकीपर सेव कर लेता है। यहाँ जोआओ कैंसेलो राइट हैंड साइड से एक अटैक क्रिएट करता है जो कि गोलकीपर सेव कर लेता है, लेकिन ये जो अटैक बना इसमें फर्मिन का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ गुंडोगान का एक कमाल का बॉल था फर्मिन के लिए, लेकिन फर्मिन का शॉट पोस्ट पे लग गया और फरान ने रीबाउंड पे बार्सिलोना और मैच का पहला गोल स्कोर किया। यहाँ फरान डीप आता है जिसकी बात मैं कर रहा था और फरान ने एक कमाल का थ्रू बॉल डाला फर्मिन को और फर्मिन ने एक कमाल का बैंगर स्कोर किया और फर्मिन का जो कल का गेम था वो कमाल का था और फर्मिन ने जो गोल स्कोर किया वो क्लासिक रैकेटिच की तरह था। बार्सिलोना को एक और मिडफील्ड में फ्यूचर स्टार मिल चुका है। फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना को काफी स्पेसेस मिल रही थी क्योंकि सेक्टर के प्लेयर्स मैन मार्किंग ठीक से नहीं कर पा रहे थे और फर्स्ट हाफ के अगर स्टैट्स देखेंगे तो दिखेगा बार्सिलोना ने सेंटर चैनल्स में एकदम डोमिनेट किया, लेकिन सेकेंड हाफ में सेक्टर ने एक कमाल का मिड ब्लॉक बनाया जिसकी वजह से बार्सिलोना को सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम हुई। कैंसेलो का एक कमाल का क्रॉस आता है फेलिक्स के लिए और फेलिक्स का हेडर कीपर सेव कर लेता है। यहाँ कैंसेलो ने एक कमाल का बॉल डाला फरान को और फरान ने गोल स्कोर किया जो बाद में रूल्ड आउट हो गया, लेकिन सेकेंड हाफ में शैक्टर का गेम इंप्रूव हुआ और 62 मिनट में शैक्टर ने अपना पहला गोल स्कोर किया। कैंसेलो अप टॉप था और बार्सा के राइट फ्लैंक पे शैक्टर ने अटैक बनाया और सुडाकोव ने कमाल का फिनिश किया। शैक्टर के 18 साल के ब्राजीलियन विंगर न्यूएटन ने बार्सा के राइट फ्लैंक में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ मार्कोस अलोंसो का एक कमाल का क्रॉस आता है फर्मिन के लिए और फर्मिन एक कमाल का गोल स्कोर करते हैं, लेकिन ये गोल भी रूल्ड आउट हो जाता है ऑफसाइड की वजह से और यहाँ जोआओ फेलिक्स को हो जाती है इंजरी और बार्सिलोना फैंस के मन में क्वेश्चन भी आएगा क्या जोआओ फेलिक्स रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अवेलेबल होगा, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जोआओ फेलिक्स को पेन था, कोई इंजरी नहीं और जोआओ फेलिक्स मैड्रिड के अगेंस्ट मैच में अवेलेबल भी रहेगा। और बार्सा का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था पिच में गुंडोगान, क्योंकि गुंडोगान ने गेम का जो टेम्पो था वो कंट्रोल करके रखा था और गुंडोगान अपने आप को ऐसे पोजिशन पे रख रहे थे जिसकी वजह से फर्मिन अप टॉप जा पा रहा था और बार्सा के लिए चांस बन रहा था। और ओरियल रोमियो का भी गेम कमाल का था, चाहे वो डुअल जोन करना हो या चांस क्रिएट करना हो, हर एक चीज में ओरियल रोमियो कल कमाल के थे। और फर्मिन लोपेज अपने पहले ही सीजन में जिस तरह की परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हैं वो कमाल का है। आखिर में शैक्टर ने जरूर कुछ चांसेस क्रिएट किए, लेकिन एट द एंड बार्सा ने ये मैच 2-1 से जीत लिया और इस जीत के साथ बार्सा ने अपने यूसीएल में 3 में से 3 मैचेस जीत लिया है। और बार्सा का जो नेक्स्ट गेम है वो है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट और रिपोर्ट्स के मुताबिक लेवेंडोव्स्की, पेड्री, फ्रेंकी, रफिनिया, कुंडे इस मैच में अवेलेबल रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बार्सा मैड्रिड के अगेंस्ट एक अमेजिंग परफॉर्मेंस ड्रॉप करे। ये था हमारा बार्सिलोना वर्सेस शैक्टर डोनेस्क का एक छोटा सा टैक्टिकल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।